जब मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा ना। हेलो गाइस, मेरा नाम विनय और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विनय एडिटिंग में स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इस तरह की रील्स एडिटिंग जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। तो अभी के समय में कुछ इस तरह की रील्स इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है गाइस। आप लोग भी कुछ इस तरह की रील्स क्रिएट करना चाहते हैं और किसी भी सोशल मीडिया में अपलोड करके व्यू लाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, चलते हैं आज की इस नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए हम VN एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अगर आपके में एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो तो आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। VN एप्लीकेशन में आ जाने के बाद गाइस, हमें यहाँ नीचे की ओर जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ से एक लिरिक्स का वीडियो ऐड कर लेना है। तो मैं इस वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से सब्सक्राइब कर लेना और इसको डाउनलोड करके यूज कर लेना। तो मैं इसको यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। तो गाइस, वीडियो सेलेक्ट हो जाने के बाद हमें यहां फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से गाइस, हमें अपने मम्मी पापा के साथ या अपने दोस्त के साथ या अपने गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके भी साथ आप रील्स क्रिएट करना चाहते हैं उसको हमें यहाँ से ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं एग्जांपल के लिए मुकुल और सोना का फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप फोटो ही सेलेक्ट करो, आप वीडियो ऐड करना चाहो तो वीडियो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं फ़ोटो का रील्स क्रिएट करना चाहता हूँ इसलिए मैं फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ नीचे की ओर जो एरो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो हमारा प्रोसेसिंग ले रहा है गाइस, आप यहाँ से देख ही सकते हो। जैसे ही हमारा प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो गया, हमारा ऐड हो जाएगा। तो गाइस, जैसे कि हमारा वीडियो और फोटो ऐड हो गया है, इस वीडियो में ऑलरेडी म्यूजिक लगा हुआ है गाइस, इस म्यूजिक को हमें म्यूट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ वॉल्यूम को कट कर लेना है। तो गाइस, इस वीडियो में से हमारा म्यूजिक हट गया है। उसके बाद हमें लास्ट में चले जाना है और यहाँ में जो ब्लैक कलर का वाटर मार्क दिखाई दे रहा है इसको हमें यहाँ से डिलीट कर लेना है। तो गाइस, हमारा वाटर मार्क डिलीट हो गया है, आप यहाँ से देख ही सकते हो। इतना हो जाने के बाद गाइस, इसमें हमें अब म्यूजिक ऐड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ टैप टू ऐड म्यूजिक में चले जाना है और म्यूजिक के ऑप्शन में जाकर म्यूजिक ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस म्यूजिक को भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, आप इसको भी वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, ये हमारा म्यूजिक ऐड हो गया है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ फोटो को यहाँ से हमें डुप्लीकेट कर लेना है। तो उसके लिए गाइस, हमें यहाँ फोटो पे एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ जो फर्स्ट हमें दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो हमारा फोटो डुप्लीकेट हो गया गाइस। उसके बाद इसमें हमें अब एनिमेशन ऐड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ जूम वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें मूव अप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, उसके बाद हमें नेक्स्ट वाले फोटो में चले जाना है और यहाँ से हमें फिर से जूम वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसमें हमें मूव डाउन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ फर्स्ट वीडियो और फोटो के बीच में जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है इसमें हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें जूम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसमें हमें अब इफेक्ट्स ऐड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें फर्स्ट वाले फोटो में हमें जूम इन को सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, इसको हमें इस फोटो के स्टार्टिंग वाले पार्ट में रखना है। उसके बाद इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ सेकेंड वाले फोटो में चले जाना है और यहाँ से हमें फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाकर हमें यहाँ से भी जूम इन को सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन गाइस, इसको हमें फोटो के एंडिंग वाले पार्ट में रखना है। उसके बाद इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, ये हमारा एडिटिंग कम्प्लीट हो गया है। इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। जब मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा, तो गाइस, वीडियो रेडी हो जाने के बाद इसको हमें यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है गाइस, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।